दोस्तों सलमान खान को सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी एक्टिंग वर्ल्ड में एक बहुत फेमस, बहुत सक्सेसफुल और बहुत अमीर एक्टर के तौर पर जाना जाता है। बॉलीवुड में सुल्तान और भाईजान के नाम से मशहूर इस एक्टर का पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। सलमान खान का जन्म 1965 में इंदौर में हुआ था। सलमान खान को बॉलीवुड में उनकी पहली मूवी की फीस लगभग 11,000 रुपए मिली थी और आज 30 साल के बाद सलमान खान $300 मिलियन से भी ज्यादा के मालिक है। और अगर हम उनकी इनकम की बात करें तो सलमान खान छोटे से छोटे एडवर्टीजमेंट से भी लगभग 2 करोड़ रुपए और अपनी हर मूवी से लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए तक कमाया करते हैं। ये बात तो आप जानते होंगे कि सलमान खान एक लंबे अरसे से बिग बॉस को होस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन ये बात शायद आप ना जानते हो कि सलमान खान ने जब पहली बार बिग बॉस को होस्ट किया था तो उन्हें पर एपिसोड पे 2 करोड़ रुपए मिला करते थे। लेकिन बिग बॉस के रिसेंट सीजन यानी कि सीजन 14 से सलमान खान को हर एपिसोड के बदले 20 करोड़ रुपए मिले थे और इस तरीके से सलमान खान ने बिग बॉस के सिर्फ इसी सीजन से 450 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान अपनी एक्टिंग के अलावा अपने पैसे और अपनी अमीरी के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी पूरी नेटवर्थ $320 मिलियन से भी ज्यादा है जो कि 2300 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर बनती है। अब जाहिर है कोई इंसान इतना अमीर और इतना स्टाइलिश होगा तो वो अपने पैसे भी छोटी मोटी चीजों पर खर्च नहीं करेगा बल्कि उसकी सोच के मुताबिक उसके यूज में आने वाली चीजें भी उतनी ज्यादा मॉडर्न, महंगी और स्टाइलिश होंगी। तो चलिए KW प्रेजेंट की आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सलमान खान अपना इतना ज्यादा पैसा कहां खर्च किया करते हैं और उनके क्या क्या शौक हैं और उनके यूज में आने वाली चीजें कितनी महंगी और स्टाइलिश हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सलमान खान के घर और उनके अपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों लगभग 40 साल से भी ज्यादा सलमान खान वांड्रा में बने हुए एक अपार्टमेंट में रहे हैं और ये अपार्टमेंट सिर्फ 200 स्क्वायर फीट का है। सलमान खान का ये अपार्टमेंट अब $3 मिलियन का हो चुका है और सलमान खान के इस अपार्टमेंट में सिर्फ एक बेडरूम है। लेकिन सलमान खान पिछले कुछ सालों से पनवेल में अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो चुके हैं और सलमान खान ने इस फार्म हाउस का नाम अपनी बहन अर्पिता के नाम पर अर्पिता फार्म हाउस रखा है। हरे भरे इलाके में बसा हुआ ये फार्म हाउस लगभग 150 एकड़ पर फैला हुआ है और इस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, घोड़ों के लिए अस्तबल, मिनी थिएटर, जिम और कई सारे बंगलो भी हैं। और इन्हीं फीचर्स की वजह से ये फार्म हाउस मुंबई के सबसे महंगे घरों में से एक है। पनवेल फार्म हाउस के अलावा सलमान खान का गोराई बीच पर एक हॉलिडे हाउस भी है जिसमें सलमान खान अपनी छुट्टियों के दिन गुजारा करते हैं। सलमान खान का ये घर भी लगभग 100 एकड़ पर फैला हुआ है और इसकी मार्केट वैल्यू 31 करोड़ रुपए है। सलमान खान के इस घर में 2 बंगलो हैं, स्विमिंग पूल है, जिम और मिनी थिएटर भी है। सलमान खान के बाइक राइडिंग के शौक को मद्देनजर रखते हुए इस घर में भी एक बहुत बड़ा मैदान सिर्फ उनकी बाइक राइडिंग के लिए छोड़ रखा है। और अब बात कर लेते हैं सलमान खान के कार कलेक्शन के बारे में। सलमान खान जितने स्टाइलिश हैं इसी तरीके से उनकी कार्स भी उतनी मॉडर्न, महंगी और स्टाइलिश हैं। सलमान खान के पास वैसे तो कई सारी कार्स हैं लेकिन पर्सनली वो कुछ ही कार्स को यूज करते हैं। उनमें पहले नंबर पर आती है मर्सिडीज बेंज 7 क्लास जिसकी कीमत 1,60,00,000 रुपए है। दूसरे नंबर पर रेंज रोवर जिसकी कीमत 64,00,000 रुपए है। लेक्सस LX 470 35,00,000 रुपए की। BMW X6 1,20,00,000 रुपए की और ऑडी RS7 1,94,00,000 रुपए की। मर्सिडीज AMG 43 76,00,000 रुपए की और लैंड क्रूजर 1,50,00,000 रुपए की है। ये था सलमान खान का कार कलेक्शन। अब बात करते हैं सलमान खान के बाइक कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सलमान खान को बाइक राइडिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है और इसी वजह से उनके पास एक से एक महंगी और मॉडर्न बाइक्स हैं। उनका बाइक कलेक्शन भी उनके कार कलेक्शन की तरह लैविश और महंगा है। अगर हम उनकी बाइक्स की बात करें तो उनके पास सुजुकी GSX 1,60,00,000 रुपए की, यामाहा R1 1,60,00,000 रुपए की और सुजुकी इंट्रूडर 1,60,00,000 रुपए की है और साथ ही साथ सुजुकी हायाबुसा 18,00,000 रुपए की है। और इस तरीके से सलमान खान के पास 30 करोड़ रुपए की सिर्फ बाइक्स और कार्स हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आजकल के बिलियनियर सिर्फ बाइक्स और कार्स नहीं रखते बल्कि उसके साथ साथ वो समंदर की सैर करने के लिए अपने पास यॉट भी रखते हैं, तो सलमान खान के पास भी एक लैविश यॉट है। सलमान खान ने ये यॉट अपने आप को 2016 में अपने 50वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी और इस यॉट की कीमत लगभग $4,00,000 यानी कि 30 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। वैसे तो सलमान खान की जिंदगी में कई सारी निगेटिव साइड्स भी हैं। उनकी जिंदगी कंट्रोवर्सीज में गुजरी है और कई बार इन कंट्रोवर्सीज की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन जब बात चैरिटी की और गरीब लोगों की मदद की आती है तो सलमान खान की पॉजिटिव साइड सामने आती है। सलमान खान ने 2007 में बींग ह्यूमन नाम के एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी जिसका मकसद हेल्थ केयर और एजुकेशन की फील्ड में काम करना था। गरीब बच्चों को मोटर बाइक गिफ्ट करने से लेकर के उनके साथ फेस्टिवल
मनाने तक सलमान खान ने कई सारे ऐसे केसेस दिखाए हैं जहां पर ये बात साबित होती है कि ये एक्टर दिल के बहुत अच्छे हैं। साल 2020 में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ था और सारी चीजें एकदम से बंद हो गई थी तो गरीब लोग मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको डेली बेसिस पर तनख्वाहें मिलती थी, उनका काम बंद हो गया था। ऐसे में सलमान खान ने लगभग 25,000 मजदूरों की लिस्ट बनाई और उन सबके अकाउंट में 25,000 रुपए ट्रांसफर करके उनकी मदद की थी। तो ये थी सलमान खान के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि सलमान खान किस तरीके से और कहां अपना पैसा खर्च किया करते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW Present को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।